नीरज चोपड़ा की फेमस टीवी सीरियल महाभारत से भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाकर के घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज की पर्सनल लाइफ को लेकर के इन दिनों बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, नीतीश भारद्वाज की पर्सनल लाइफ इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें कि वो अपनी IAS बीवी स्मिता घाटी के खिलाफ शिकायत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर के पास उन्होंने आरोप ये लगाया है कि स्मिता ने उनकी बेटियों को किडनैप कर लिया है। उन्हें नहीं पता कि इस वक्त उनकी दोनों बच्चियां कहां हैं, किस हाल में हैं, ना ही वो उनसे बात करा रही है और ना ही मिलने देती है। इस मामले में जांच अब ACP शालिनी दीक्षित को सौंपी गई है। रिपोर्ट की माने तो नीतीश भारद्वाज ने 14 फरवरी को भोपाल की पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से लिखित शिकायत की। इस शिकायत में कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी IAS वाइफ स्मिता घाटे दोनों बेटियों से मिलने नहीं दे रही है और ना ही बात करने दे रही है। उनका नंबर हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है और किसी भी मेल का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। 60 साल के नीतीश भारद्वाज का कहना है कि पिछले 4 साल से वो अपनी बेटियों से बात नहीं कर पाए हैं। उनकी वाइफ ने बीते 1.5 साल में बेटियों की कई जगह एडमिशन करवाया। पहले वो भोपाल में पढ़ती थी, फिर ऊटी में उनका एडमिशन करा दिया। नीतीश पहले भी इस मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी आरोप लगाया गया कि स्मिता बेटियों के खिलाफ भड़का रही हैं। बेटियों को उनके खिलाफ भड़काने का आरोप भी यहां नीतीश भारद्वाज ने लगाया है। मालूम हो कि नीतीश भारद्वाज ने पहली साल 1991 में मोनिशा पाटिल के साथ शादी की थी। 15 साल के बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई और दोनों अलग हो गए। फिर इसके बाद साल 2009 में उन्होंने IAS ऑफिसर स्मिता घाटे के साथ दूसरी शादी की, लेकिन ये भी रिश्ता नहीं चल सका। साल 2019 में मुंबई फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद साल 2022 में दोनों अलग हो गए थे।